गर्मियाँ शुरू हो गई तो कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, तो आज बनाते हैं गुलाब का शरबत, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले 4 कटोरी चीनी की ले लेंगे, इसमें 2 कटोरी तो इसमें पहले डाल देंगे और फिर 1 कटोरी पानी डाल देंगे और फिर 1/2 कटोरी और डाल देंगे इसमें पानी, और फिर डालने के बाद में इसमें 1.5 कटोरी पानी आएगा, फिर 1 कटोरी जो पानी बचा है वो इसको उबलने के लिए चढ़ा देंगे और साइट्रिक एसिड डाल देंगे उबलते हुए में। इससे क्या है, इससे क्रिस्टल नहीं बनेंगे चीनी के। और फिर उसके बाद में जो 2 कटोरी चीनी की और बची है वो धीरे धीरे इसमें डाल देंगे और डालने के बाद में इसको अच्छे तरह मिला के मेल्ट कर लेंगे और फिर जो उबला हुआ पानी है वो धीरे धीरे डालते रहेंगे। ये उबलना कम नहीं होना चाहिए, इतना उबलता हुआ पानी डालेंगे और फिर ये डालने के बाद में इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिला लेंगे और देखो कितनी चमकदार चाशनी बनती है। और फिर इसमें बंद कर देंगे गैस और फिर इसके बाद में इसमें रोज़ पेटल्स डाल देंगे ताज़ा वाले और फिर एसेंस डालेंगे, तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच इसमें रेड फूड कलर डाल देंगे और फिर इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें रोज का एसेंस डाल देंगे और तीनों चीज़ मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में अभी पतला है, फिर ये जो धीरे धीरे ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा और फिर बनके तैयार है गुलाब का शरबत। इसको 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो पानी के साथ और दूध के साथ, ये दोनों में ही बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। थैंक यू।